हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हमारा टॉपिक है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से जिसमें हमारा टॉपिक का नेम है मेडिकल टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है पहले हम डेफिनेशन समझ रहे थे मेडिकल टूरिज्म की इट मींस टू ट्रेवल आउटसाइड योर लोकल एरिया फॉर मेडिकल सर्विसेज और टू ऑप्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट अपने एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेवल करना किसके लिए मेडिकल सर्विसेज के लिए हेल्थ सर्विसेज के लिए और कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए अब आप ट्रीटमेंट क्यों लोगे हम अब आगे देखते हैं कि अपनी कंट्री में ट्रीटमेंट लेने नहीं जा रहे दूसरी कंट्रीज में जा रहे हो मेडिकल टूरिज्म इज अ ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया जो मेडिकल टूरिज्म इंडिया में ग्रोइंग सेक्टर है इंडियाज मेडिकल टूरिज्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट इंडिया में मेडिकल टूरिज्म कितने रेट से बढ़ा है थर्टी परसेंट से बढ़ा है थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा मेडिकल टूरिज्म अट्रैक्ट पेशेंट्स फ्रॉम डेवलप कंट्री मेडिकल टूरिज्म क्या करता है डेवलप कंट्रीज से लोगों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि डेवलप कंट्री के मुकाबले डेवलपिंग uh, कंट्रीज में आप बोल सकते हो कि कॉस्ट एडवांटेज यूएसए से लोग इंडिया में इलाज कराने तो क्योंकि इंडिया में कॉस्ट कम है एंड आल्सो अट्रैक्ट पेशेंट्स फ्रॉम अंडर डेवलप कंट्री अंडर डेवलप कंट्री से भी पेशेंट्स को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज क्यों अट्रैक्ट करता है क्योंकि मेडिकल सर्विसेज अंडर डेवलप कंट्री में अच्छी नहीं है तो वहां से लोग क्या करते हैं डेवलपिंग कंट्री में जाना पसंद करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा कॉस्ट ऑफ मेजर सर्जरी इन इंडिया जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है इंडिया में इज जस्ट टेन परसेंट ऑफ दैट इन डेवलप कंट्री इतनी कम कॉस्ट लगती है आप समझ सकते हो इंडिया में क्या है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया में कॉस्ट कम लगती है जबकि डेवलप कंट्री में उसकी इंडिया में सिर्फ टेन परसेंट कॉस्ट लगती है अगर यूएसए में किसी ट्रीटमेंट को कराने की कॉस्ट हंड्रेड है तो इंडिया में सिर्फ टेन रूपीज है अगर हम एक्साम्पल लेके चले तो